सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी आज रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 1 बजे रायबरेली, 3 बजे उन्नाव और शाम 7 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने सोमवार को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभाएं की और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा था। वहीं आज भी सीएम योगी जमकर विपक्षी दलों को घेर सकते हैं। सीएम योगी निकाय चुनाव को देखते हुए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल भी 3 दिवसीय दौरे पर थे सीएम योगी, जहां उन्होंने तमाम जनसभाओं को संबोधित किया। यूपी में निकाय चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी खुद पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, निकाय चुनाव को देखते हुए सीएम योगी लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने तमाम जिलों में प्रचार किया था, आज भी वो तमाम जिलों में प्रचार करेंगे, जनसभाएं करेंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस निकाय चुनाव को लेकर वो अपने प्रतिद्वंदियों को एक भी मौका नहीं देना चाहती है। आने वाले समय में 10 महीने का समय शेष है लोकसभा चुनाव में, उसके पहले निकाय चुनाव में तमाम रणनीतियां बना के कुछ अनुप्रयोग कर रही है। हर पार्टी अपना प्रयोग अनुप्रयोग दिखा रही है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उसकी तैयारियों का उसका जायजा उसको मिल सके। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर एक अभियान चला रहा है और निकाय चुनाव को लेकर जो है लगातार प्रत्याशियों के जनसंपर्क के अलावा जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए या फिर सूबे के दोनों डिप्टी सीएम, वो सभी जाके जनता को संबोधित कर रहे हैं, जगह जगह पर जाके जनता को बता रहे हैं और अपने सरकार के जो कार्यक्रम है, जो विकास कार्य है, उसका उल्लेख भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम बेहतर तरीके से जहाँ जहाँ चुनावी जनसंपर्क किया, जनसभाओं को संबोधित किया, उसके बाद से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से वो समाजवादी पार्टी पे हमलावर रहे हैं। कल उन्होंने अमरोहा में कहा कि अमरोहा पहले माफिया का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर हो गई है और काफ़ी सुधर गई है। अगर इसके पहले की बात की जाए तो कानून व्यवस्था काफ़ी ध्वस्त लग रहा है कि जो पूर्वोत्तर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले, वो माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ 3 जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगे, रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ। दोपहर 1 बजे से उनको रायबरेली का दौरा होगा, वहाँ वो जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने विकास कार्यों की गाथा को जनता को बताएंगे। उसके बाद 3 बजे करीब वो उन्नाव का दौरा करेंगे, उन्नाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम 7 बजे लखनऊ बुद्धेश्वर चौराहे पे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे और तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे जो जनता के लिए क्रियान्वित की गई है इस सरकार में। देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में कांटे की लड़ाई देखी जा सकती है। जिस प्रकार से सॉन्ग वार चल रहा है, जिस प्रकार के दूसरे दलों के प्रत्याशी को लाके ज्वाइन कराया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये मौका निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को देने के मूड में तो कतई नहीं निकलेगा। विवेक, रायबरेली, उन्नाव में तो सीएम योगी प्रचार करेंगे ही, जैसा कि अभी आपने बताया, शाम 7 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लखनऊ की बात करूं तो कैसी तैयारी देखने को मिल रही है और सीएम योगी के साथ और कौन लोग मौजूद रहेंगे?
देखिए अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इसके बाद जो बड़े पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद रहते, तमाम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव प्रचार का जो चीजें चल रही है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क की बात अगर करें, प्रत्याशी जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर मंच पे अगर बात की जाए तो प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जो सीएम का कार्यक्रम है, बकायदा प्रोटोकॉल से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और सुरक्षा के साथ व्यवस्था और इंतजाम भी किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के किसी भी हिस्सों में अगर चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड फायर ब्रांड नेता में की जाती है। खैर, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो यहाँ उन्होंने चुनाव और निकाय चुनाव की जिम्मेदारी जो है स्वयं उठाई है और स्वयं एक एक चीजों की समीक्षा और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। विवेक, जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और निकाय चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर में लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावी संकल्प जो है वो जारी हो सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे लगातार जो है बैठकें हो रही है, पिछली बार जब बैठक हुई थी तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प पत्र जो है वो जारी करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ पे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनावी संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको जारी करेंगे। और साथ ही साथ इस निकाय चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव के भी कुछ सूचियों को, कुछ अनछुए पहलुओं को वो चुनेंगे। उसके बाद इस संकल्प पत्र में कहीं ना कहीं लोकसभा का भी जो चुनाव है उसके भी दायरे में आके कुछ चीज़ें की जा सकती है। संकल्प पत्र में ऐसी चीज़ें भी शामिल की जा सकती है जिससे वो निकाय चुनाव के अलावा लोकसभा को भी जो है हाथों हाथ दे सके। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में निकाय चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें रायबरेली उन्नाव में सीएम योगी प्रचार करेंगे। लखनऊ में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को देखते हुए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 3 जिलों में प्रचार किया था, जनसभा को संबोधित किया था, वहीं आज भी तमाम जिलों में सीएम योगी प्रचार करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आज जारी होगा। मिली जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ट्वीट कर नतीजे जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल यानी आज दोपहर 1:30 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। बता दें अब इंतजार खत्म हो चुका है, आज यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा, नतीजों का आज ऐलान किया जाएगा। बता दें कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है आज
वाला है, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होता है वो उनके सभी छात्रों के पूरी 20 साल की उनके मेहनत होता है, क्योंकि आज उनका सूचना सुनते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही खुश है और उनका ये लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं से उत्साहित है। और देखते हैं कि जब 1:30 बजे आज वही उनका जो आज एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद 1:30 बजे पर आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। वही आपको बता दें कि कॉपी को जांचने के लिए 1 करोड़ जो कॉपी थी जांचने के लिए कहीं ना कहीं 1 लाख शिक्षक इसकी जाँच की थी और ये पूरी तरह से सुरक्षित इन कॉपियों की जाँच की गई है। जो बता दें यूपी सरकार की इस पर कहीं ना कहीं जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई थी उसमें कड़ी कार्रवाई के साथ इस परीक्षा को किया गया था और इसमें सीसीटीवी कैमरे से लेके और बिना किसी चीज के इस परीक्षा को पूरा एग्जाम दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया, उसे पूरी तरह से इसमें जांच किया गया है। अब बता दें कि इस बार के जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक से लेके जो 10वें रैंक तक जो छात्र आएंगे उसे यूपी सरकार 1 लाख रुपया और उसे एक टैबलेट भी गिफ्ट करेगी और लैपटॉप भी देगी। तो ऐसी यूपी सरकार की योजनाएं हैं। बता दें कि इस बार की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो सरकारी जो छात्र हैं उन्होंने 40 लाख तक छात्र जो इस बार अपना जो एग्जाम छोड़ दिए थे, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ा है। तो यही यूपी सरकार जो है आज रिजल्ट 10वीं और 12वीं का घोषित कर रहा है। जी सवारी देखा जाए आज यूपी बोर्ड के बच्चों का और उनके पेरेंट्स का इंतजार खत्म हो रहा है, आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो बच्चों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी मेरी वही अब बता रहे आपको कि आज जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट घोषित होगा कहीं ना कहीं जो छात्र है जो 58 लाख जो छात्र वो कहीं ना कहीं खुशी से उत्साहित है क्योंकि उनका पूरे साल भर का जो मेहनत है वो आज दिखाई देगा और इससे उनके आगे आने वाले जो भविष्य है वो भी जुड़ता है क्योंकि 10वीं और 12वीं भी एक मीन बेस होता है हमारे आगे के जीवन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट होता है हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं मायने होता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज 1 बजे के बाद एक उत्साह बहुत दिखाया गया क्योंकि जो ये रिजल्ट होता है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है और कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार है वो भी हमारे जो एक्टिव रहती है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 1 से लेकर 10 रैंक पर आएगा उसे 1 लाख रुपया और उसे 1 लैपटॉप देगी या इनाम में दिया जाएगा। उन्होंने बता दें कि अगर जिन छात्रों का कम रैंक आया होगा उनको एक वेबसाइट दिया गया है UPMFG, उसके जरिए वो अपने जाके रिजल्ट के बाद उस ऐप के जरिए अपना मार्क्स भरवा बार जो है वो कॉपी अपना रिजल्ट देखने के लिए आप एक वेबसाइट के जरिए भी देख सकते हैं। ऑफिशियल जो उनका अकाउंट जो होता है उनका ट्विटर होता है उससे भी जाके वो देख सकते हैं और माध्यमिक शिक्षा का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे जाके वेबसाइट से जाके वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम भी सुविधाएं हैं यूपी सरकार आज उन्होंने दिया है और उनका साफ प्रकार है। उन्होंने यूपी सरकार ने वो साथ उन्होंने बधाई भी दिया है कि अगर जो भी छात्र छात्राओं का रिजल्ट कम आता है उनके जरिए एक वेबसाइट दिया है उससे जाके वो अपनी कॉपी को दोबारा जांच करवा सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। तो इन सब सुविधाओं का भी छात्र छात्रा है वो अपना लाभ उठा सकते हैं। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। बता दें यूपी बोर्ड के नतीजों का आज ऐलान किया जाएगा। वहीं बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में डर भी होगा क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अब की परीक्षा सख्ती के साथ करवाए गए थे। वहीं आज रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा 1:30 बजे। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।